गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 बहुपद एवं गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 29 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। एक बात और मैं प्यारे दोस्तों बता दूं, कल भी मैंने क्लास लिया था जिसमें आपकी क्लास करीब 2 घंटे लेट हो गई थी, यानी 6 बजे आपकी क्लास अपलोड हुई थी। तो वह वीडियो बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है x पावर 4 माइनस 12x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 72 को x² माइनस 5x प्लस 6 से पूर्णतः भाज्य बनाने के लिए a तथा b के मान क्रमशः होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका है 53 का मान माइनस का 102, ऑप्शन नंबर बी आपका है 102 का मान माइनस 53, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 का मान 2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2 का मान 3। तो ऐसा प्रश्न मैंने इसके पहले भी सॉल्व करवाया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यक्ष का मान पता होना चाहिए। तो यक्ष का मान निकालने के लिए हमको इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, या आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके यक्ष का मान निकालते हैं। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों 6 और 1, 6 कम 6 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो 3 × 2 हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए x² इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा आपको x माइनस का 3। इन दोनों व्यंजक से आप माइनस का 2 कॉमन लीजिए तो मिलेगा आपको x माइनस का 3 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट सेम हो गए तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x माइनस का 2। यानी x के दो मान आए, एक x माइनस 3 बराबर 0 से, एक x माइनस 2 बराबर 0 से। तो यहां से x का मान कितना आएगा 3 और यहां से x का मान आएगा 2। तो आपने इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लिया। अब प्यारे दोस्तों, हम अपनी सुविधा के लिए यक्ष का मान 2 लेते हैं, यक्ष का मान 2 लेते हैं। यदि यक्ष का मान आप 3 मिलेंगे तभी सॉल्व होगा, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए यक्ष का मान 2 लेते हैं। तो लिखेंगे यक्ष बराबर 2 पर। अब यक्ष का मान 2 इस समीकरण में रख दीजिए तो a और b के बीच कुछ संबंध आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यक्ष का मान 2 रखते हैं तो 2 पे पावर 4 माइनस 12 है, फिर 2 का क्यूब प्लस a है x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b और x का मान 2 और प्लस का 72। अब देखिएगा 2 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, यानी 16 आपका हो जाएगा माइनस 2 पे पावर क्यूब का मान निकाल लीजिए, a 12 है गुणे 2 पे पावर क्यूब का मान 8 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा a में करेंगे तो 4a होगा, 2 का गुणा बी में करेंगे 2 भी होगा प्लस का 72। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, x का मान 2 रख दिया। अब यहाँ पर 16 12 बटे कितना होता है 96 प्लस का 4a प्लस का 2b और प्लस का 72। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू को एक साथ जोड़ते हैं तो 72 में 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 88 और माइनस का 96 है ही प्लस का 4a और प्लस का 2b। अब देखिए माइनस 96 में से 88 घटाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 8 प्लस का 4a और प्लस का 2b। अब प्यारे दोस्तों, अब आपको a और b का मान निकालना है तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि किस वैल्यू को हम यहाँ पर रखें कि यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, जिस a और b के मान पर यह आपका समीकरण संतुलित होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में
मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको चेक करना होता है ऑप्शन नंबर डी से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है 2 कामा 3, तो 2 कामा 3 यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 4 गुणे 1 का मान 2 लेना है तो 2 प्लस 2 गुणे b का मान 3 लेना है। तो यहां से देखिए 3 दुना 6 4 दुना 8 8 से 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि यह या समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है। समीकरण संतुलित कब होगा? जब कट कर पूरी वैल्यू 0 आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 का मान 2, यानी ए का मान 3 लेना है तो माइनस का 8 प्लस 4 गुणे a का मान 3 लेंगे प्लस 2 गुणे b का मान 2 लेंगे। तो यहां से देखिए 2 दुना 4 और 4 तिया 12, 12 4 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बच रहा है, तो यह भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपका था -8 प्लस का 4a और प्लस का 2b। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 102 कामा माइनस का 53, 102 कामा माइनस का 53, तो 102 यहाँ पर रखते हैं तो -8 प्लस 4 गुणे 102 प्लस का 2 गुणे b का मान -53। अब देखिएगा यहां से आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ पर 4 का 102 में गुणा करेंगे तो 402 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? केवल और केवल 106। तो 106 और आप 408 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, या यह कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर बी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, 53 कामा माइनस का 102 है ऑप्शन नंबर ए, यही लास्ट ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस चेक करते हैं इसको 53 कामा माइनस का 102, तो -8 प्लस 4 गुणे a का मान 53 है प्लस 2 गुणे b का मान -102 है, इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर -8 है ही, 4 का गुणा 53 में 4 तिया 12 को 2, उसके बाद से 4 पचे 20 और 1 21, यानी 212 आया। 2 का गुणा -102 में करेंगे तो -104। अब देखिए -104 -8 कितना हो जाएगा? -104 यहाँ पर आपका देखिएगा 2 दुना 4 फिर 0 2 1 2, यानी 204 होगा। ध्यान से देखिएगा 2 का गुणा -102 में कराना था तो -204 -8 कितना होगा? -212 है, आइए +212 आपका दिया ही है तो कैंसिल होगा, यानी 0 आ जाएगा। यानी कि ए बराबर 53 और बी बराबर -102 पर आपका यह समीकरण संतुलित हो रहा है, आपका यह समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन आपको बताया। यदि आप ए का मान एक बार रख करके ए और बी के बीच संबंध निकालते, फिर बी का मान रख करके ए और बी के बीच संबंध निकालते, फिर उसको काटते, तो काफी लेंदी हो जाता। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा है। यदि आप यहाँ पर आ गए उसके बाद से ऑप्शन से चेक कर दे तो बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, यदि 4a² - 4ab - c² - 2bc का एक गुणनखंड pa - 2b - c है तो p का मान है, ऑप्शन नंबर ए आपका है -1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1, ऑप्शन नंबर सी आपका है -2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं ना तो ए है, ना तो एक्स है, ना वाई, यानी यहां पर केवल पी और एबीसी में संबंध दिया है, यहां पर एबीसी में संबंध दिया है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ए का मान निकालता हूं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर लिख सकते हैं 2b + c,
माइनस टू भी प्लस सी था, मैंने इसको राइट साइड ले गया तो दोनों प्लस हो गया, यानी टू भी प्लस सी हो गया, तो ए का मान यहाँ से निकल गया टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने ए का मान इस समीकरण से निकाला। अब देखिएगा ए का मान जो आपने निकाला है यहां पर रख दीजिए, तो ए का मान रखने पर, मान रखने पर तो ए का मान यहां रखते हैं तो फोर हो गया। ए का मान कितना लेना है आपको, ए का मान लेना है टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी का होल स्क्वायर माइनस का फोर। ए का मान आपको कितना लेना है, टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी और बाहर आपका बी रहेगा। ओके, उसके बाद से माइनस का सी स्क्वायर, अब माइनस का टू बी सी रहेगा। अब प्यारे दोस्तों एक बात आप ध्यान से समझिए कि यहां पर मैं पी का मान क्या रखूं कि यह कैंसिल हो, जब यह कैंसिल होगा तभी जीरो होगा। तो ध्यान से यदि आप देखिएगा चारों ऑप्शन में, तो यहां पर यदि आप पी का मान दो लेते हैं, पी का मान दो लेते हैं जब यह चार कैंसिल होगा और यहां से चार कैंसिल होगा, दो दूना चार, तो पी का मान दो पर भी यह समीकरण संतुलित हो यह संभव है। तो देख लेते हैं पी बराबर टू पर, यह आपको समझना है और सोचना है कि कौन सी वैल्यू रखे जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, क्वेश्चन सरलीकरण से आसानी से सॉल्व कर सके। तो ऑप्शन को आप देखा, मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में दो दिया था, तो देखा मैंने कि यदि पी का मान दो रख के इसका स्क्वायर करेंगे तो चार होगा, यानी चार चार से कैंसिल होगा, यानी कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैक्सिमम संभावना है, वह पी का मान दो ही होगा। यदि पी का मान दो होगा तो यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा, यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखते हैं पी बराबर टू पर, तो पी का मान टू रखते हैं तो ए चार आपका है ही, अब देखिए टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई दो, अब पूरे का होल स्क्वायर, मैं क्या कह रहा हूं पी के जगह दो रख रहा हूं, माइनस का चार, ए आपका हो जाएगा टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इन टू का बी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी। ओके, अब देखिएगा अब मैं यहां से ए आपका फोर है ही, दो का स्क्वायर करेंगे तो इसको एक बट्टा चार बाहर निकाल सकते हैं, दो का स्क्वायर करेंगे एक बट्टा चार बाहर निकाल लिया। अब देखिए यह आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ए का काम कौन कर रहा है, टू बी, तो टू बी का स्क्वायर करेंगे तो फोर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है सी, तो सी स्क्वायर हो गया, प्लस का टू बी सी, तो टू ए आपका टू हो जाएगा और बी का मान टू ए बी, ए का मान आपका टू बी है और बी का मान सी है, तो दो दूना चार बी सी हो जाएगा, यानी चार बी सी आपका हो गया। यहां तक आपको क्लियर है, मैंने क्या किया टू बी प्लस सी को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे छोड़ दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया। अब देखिए यहां से मैं काट देता हूं तो दो दूना चार हो जाएगा, अब देखिए दो का गुणा बी भी कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या माइनस का टू बी, अब माइनस के टू बी का टू बी प्लस सी में गुणा कराना है, अब माइनस का सी स्क्वायर है माइनस का टू बी सी है। यहां तक आपको क्लियर है, अब देखिए यह चार से कैंसिल हो गया। अब देखिए एक बार और आगे लिख लेते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा फोर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा फोर बी सी। अब देखिए माइनस टू बी का टू बी में करेंगे तो माइनस का फोर बी स्क्वायर माइनस का टू बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी। अब देखिए यहां से आपका माइनस का फोर बी स्क्वायर और प्लस का फोर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का टू बी सी और माइनस का टू बी सी माइनस का फोर सी फोर बी सी हो गया, आई प्लस का फोर बी सी, यानी टोटल कैंसिल होकर आपके जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा यदि पी का मान हम टू लेते हैं तो आपका यह समीकरण सेटिस्फाई हो जा रहा है, आपका यह समीकरण संतुलित हो जा रहा है, यानी जो पी का मान है वह दो ही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से
इस क्वेश्चन को आप लोग एक से दो बार जरूर सॉल्व कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है व्यंजक x क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12 के घटक है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं, यानी डायरेक्ट कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ए आपका एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लिख दिया। 2x² को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। और देखिए माइनस का 11x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12x प्लस एक्स, माइनस का 12x प्लस एक्स लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए, और माइनस का 12 है ही। अब देखिए माइनस के 12x में से एक एक्स कटाएंगे, माइनस 11x। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमारा कुछ ना कुछ कामन हो जाए और क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। अब देखिए इन दोनों व्यंजक से आपका यक्स स्क्वायर कामन है, तो मिलेगा आपको यक्स प्लस का 1। इन दोनों व्यंजक से, इससे और इससे, यक्स स्क्वायर और यक्स से, दोनों से यक्स कामन ले सकते हैं। तो यक्स मैंने कामन ले लिया, तो यहां से मिलेगा आपका यक्स और यहां से मिलेगा आपका प्लस का 1। अब देखिए इन दोनों व्यंजक को आप देखिए, इन दोनों व्यंजक को देखेंगे तो माइनस का 12 मैं कॉमन लेता हूं, तो मिलेगा आपको x धन 1। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यदि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं, तो मेरा x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 तीनों में कॉमन हो जा रहा है, इसलिए मैं यह किया। अब देखिए x प्लस 1 तीनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 आपका बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहां से आपका x स्क्वायर, यहां से आपका x और यहां से आपका माइनस का 12। ओके, अब इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12, तो 4 3 12, यदि 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 12। यहां पर ब्रेकेट भी लगाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका एक्स कॉमन है, तो एक्स धन 4 हो जाएगा। इन दोनों व्यंजक से आप माइनस का 3 कॉमन लीजिए, तो एक्स धन 4 हो जाएगा। तो यह ब्रैकेट से, यानी एक्स धन 4 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, तो इसका मान कितना आ गया आपका, x धन 4 x माइनस 3 यानी x प्लस 1 है ही, और इसका मान आपने निकाल लिया x धन 4 और x माइनस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका x धन 1, x माइनस 3 और x धन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है के किस मान के लिए x में पावर 8 प्लस kx क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। तो यहां पर के का मान आपको निकालना है कि के किस मान के लिए यह समीकरण आपका इसका एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले इस पूरे समीकरण में x का मान रख दीजिए, तो यहां से x प्लस 1 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस का 1 आपका आ गया। अब देखिएगा x बराबर माइनस 1 इस पूरे समीकरण में रखिए, तो x बराबर माइनस 1 पर, तो माइनस 1 पे पावर 8 हो जाएगा प्लस के माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 2 गुणे x का मान माइनस का 1 और प्लस का 1। इतनी सी बात आपको क्लियर है, x बराबर माइनस 1 मैंने रख दिया। अब देखिए माइनस 1 पे पावर 8 का मान कितना होगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी भी किसी माइनस वाली वैल्यू के ऊपर पावर जो है सम में हो तो उसका मान प्लस होता है। जैसे माइनस 1 पे पावर 2 हो, माइनस 1 पे पावर 4 हो और माइनस 1 पे पावर 8 हो, तो इसका जो मान होगा प्लस का 1 ही होगा। क्यों, मैंने क्या बोला, कभी किसी भी माइनस वाली वैल्यू के पावर सम में हो। सम क्या होता है,
2, 4, 6, 8। तो कभी भी किसी माइनस वाली वैल्यू के पावर सम हो तो उसका जो मान होता है वो प्लस भी आता है। तो यह क्लियर है? तो -1 पे पावर 8 का मान +1 होगा। जैसे यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जैसे -2 है, इसका पावर यदि सम है तो यदि पावर सम 4 ले लेते हैं तो इसका जो मान होगा प्लस में आएगा। देखिएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 करेंगे तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो गया गुणा करके, और यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी किसी भी माइनस वाली वैल्यू पर पावर सम में हो तो उसका मान प्लस में होता है। तो 1 पे पावर 8 का मान आपका 1 ही होगा प्लस के। अब देखिए, यहां पर पावर विषम में है तो पावर विषम में है तो उसका मान माइनस होगा। कैसे? -1 का क्यूब है तो लिखेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए, यह माइनस और यह माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएंगे, लेकिन इस माइनस का नहीं मिलेगा, यानी -1 होगा। तो यह आपका हो जाएगा -1। ठीक। और -2 गुणे -1 करेंगे तो +2 + 1 = 0। अब यहां से 1, 2, 3 और 1, 4 यानी मिलेगा -k + 4 = 0। तो k बराबर क्या मिल जाएगा? 4। यानी जो k का मान होगा वह 4 होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, यदि x + y = 12 तथा x * y = 32 हो तब 1/x + 1/y का मान है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे कि 1/x + 1/y का मान निकालना है तो इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप इसी को सॉल्व कर लेते हैं तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, एक्स वाई का एलसीएम होगा आपका एक्स वाई, ऊपर मिलेगा आपको x+y। अब आपको देखना है, देखिए, आपको x+y का भी मान पता है और xy का भी मान पता है। तो x+y का मान है 12 और xy का मान 32, तो 4 * 3 = 12, 4 * 8 = 32, यानी 3/8 ही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 अब यार दोस्तों, क्या x-1 व्यंजक x³ - 6x² + 11x - 6 को पूर्णतः विभाजित करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका है नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका है कह नहीं सकते, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझिएगा, बोला जा रहा है क्या x-1 से यह समीकरण पूर्णतः विभाजित है? यदि पूर्णतः विभाजित है तो हाँ ऑप्शन होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। तो देखते हैं कि पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो यहां से आप x-1 = 0 से x बराबर कितना निकाल लेंगे? 1। यदि x का मान 1 रखने पर यह समीकरण 0 हो जाता है। 0 होने का सेंस क्या है? संतुलित हो जाता है। तो हाँ, x-1 से यह समीकरण आपका विभाजित है। रखते हैं तो x = 1 पर इस समीकरण को देखते हैं तो 1 होल क्यूब - 6 गुणे 1 होल स्क्वायर + 11 गुणे x - 1 - 6। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 6 का गुणा 1 करेंगे 6 होगा। 11 गुणे 1 कितना होगा? 11 होगा -6। अब देखिए, यह आपका 11 है, 11 और 1 + 11 और + 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। -6 - 6 कितना हो जाएगा? -12, यानी 12 - 12 = 0। यानी कि x = 1 पर यह समीकरण संतुलित है। यानी कि जो आपका यह समीकरण दिया गया है x - 1 से विभाजित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, यह व्यंजक x - 1 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, ब्रैकेट में 5x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 का होल स्क्वायर के विस्तार में x² और x के गुणांक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 17 और 8, ऑप्शन नंबर बी आपका है 17 और 5, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5 और 8, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, आपको निकालना क्या है? x² और x का गुणांक। तो सबसे पहले 5x - 3 आपका है ही। अब देखिए, इसका स्क्वायर बोल दीजिए, किस पे बोलेंगे? a + b के होल स्क्वायर पे।
तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का 2ab, तो 2a का मान x और b का मान 4 यानी 2 × 4 x होगा। यहां तक आपको क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5x का सबसे पहले कराते हैं, तो 5x का x स्क्वायर में कराएंगे तो मिलेगा आपको 5x का क्यूब, 5x का 4 में कराएंगे तो मिलेगा प्लस का 20x, 5x का प्लस 4x में कराएंगे तो आपको मिलेगा 5 चौक 20 और x का x में तो x स्क्वायर। अब देखिए -3 का पूरे ब्रैकेट में कराते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर, उसके बाद से माइनस का 12, उसके बाद से माइनस का हो जाएगा आपका 3 चौक 12x। यहां तक क्लियर है? अब देखिए 5x3 और x स्क्वायर वाला देख लीजिए, तो 20x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो 17x स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद से 20x में से 12x घटाएंगे तो माइनस का 8x मिलेगा और माइनस का आपका 12 है ही। आपसे x स्क्वायर और x का गुणांक पूछा जा रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह 17 होगा, और x का गुणांक क्या होगा? x का जो गुणांक होगा वह आपका यहां पर देखिएगा प्लस 20x में से -12x घटा रहे हैं तो प्लस का 8x बचेगा, प्लस 20x में से माइनस का 12x घटा रहा है, प्लस का 8x बनेगा, यानी x का गुणांक है वो 8। गुणांक का मतलब यह है जो वह उस संख्या के साथ जुड़ा होता है, जैसे 7x मैंने लिख लिया तो x का गुणांक क्या है 7, मैंने लिख लिया 8x³ यानी x क्यूब का गुणांक क्या है 8। तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक आपका 17 आ गया और x का गुणांक आपका 8 आ गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, समीकरण ब्रैकेट में x माइनस 2 by x दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 + 4 by x² का हल है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं x का मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो आपको मिलेगा x का क्यूब, x का 2 में करेंगे तो मिलेगा आपको 2x, x का 4 by x² में करना है तो प्लस का x का करना है 4 by x² में। अब -2 by x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस का 2 by x गुणे आपका हो जाएगा x² माइनस का 2 by x * 2, तो माइनस का 2 by x * 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 by x * माइनस का 2 by x * 4 बटे x² में कराना है तो 4 बटे x². इतनी सी बात आपको क्लियर है? मैंने x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 2 बटे x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहां से आपका x क्यूब होगा, ये आपका प्लस का 2x है तो प्लस का 2x होगा, यहां पर x से एक x कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको प्लस का 4 बटे x। अब देखिए यहां से एक x से एक x कैंसिल होगा यानी मिलेगा माइनस का 2x, यहां से आपका माइनस का 2 × 4 बटे x, माइनस का 2 × 4 बटे x। अब देखिएगा यहां से आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो माइनस का 8 बटे x का x स्क्वायर में तो x क्यूब मिलेगा। अब देखिए माइनस का 4 बटे x और प्लस का 4 बटे x कैंसिल, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा x क्यूब माइनस का 8/x³, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर x क्यूब माइनस 8/x³ यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। एक क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, समीकरण 2x³ + 5x² - 11x - 14 के गुणनखंड है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 37 आपका है क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों
आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 बहुपद एवं गुणनखंड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी लस तथा मस। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं मंडे को एक नए जोश एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।